74% बैंकों के फ्रॉड बढ़ गए हैं, फ्रॉड। और अगर पिछले 5 साल का फ्रॉड देखें तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट आता है जो रिजर्व बैंक ने अपने सरप्लस से ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, 1,74,753 करोड़। जब आपके पास एक भी टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, डायरेक्ट टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, जीएसटी के टारगेट पूरे ना हो, और कोई जो कर जो रेवेन्यूज है सरकार की वो पूरी ना हो, और आपने बजट में उनका प्लान किया हुआ हो, तो आपको इधर बैकडोर एंट्री से ही पैसे निकालने पड़ेंगे। आपको 1,74,753 करोड़ रुपया फ्रॉड का 5 साल में हुआ है, 71,500 करोड़ रुपया सिर्फ 2018-19 का फ्रॉड का आंकड़ा है। और एज यूजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन 71,500 करोड़ में 64,509 करोड़ रुपया है। ये फ्रॉड हो रहा है, इसमें किसका पैसा जा रहा है? आम भारतीय का पैसा जा रहा है, जो जीएसटी के माध्यम से कर देता है, जो इनकम टैक्स के माध्यम से कर देता है। आपने 1,76,000 करोड़ में से 52,637 करोड़ कंटिंजेंसी रिस्क बफर लिया है सेंट्रल बैंक का। 2008-09 में वैश्विक भयंकर मंदी आई, बड़े बड़े बैंक अमेरिका के लिक्विडेट हुए, वाइंडिंग अप प्रोसेस में गए। भारत पे इसका फर्क क्यों नहीं पड़ा? आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब हम समाचार पत्रों में अर्थव्यवस्था के बारे में एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जिससे देश पूर्ण मंदी की तरफ जा रहा है, इसका हमें प्रूफ मिल जाता है। रोज एक नया आंकड़ा आता है, कभी सूरत के डायमंड उद्योग का आंकड़ा आता है, कभी जमशेदपुर के एंसिलरी उद्योग का आंकड़ा आता है, कभी राजस्थान के हथकरघा उद्योग का आंकड़ा आता है, कभी हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग का आंकड़ा आता है। डेली नया आंकड़ा आता है कि इतने लोगों की नौकरी गई, इतनी कंपनियां और फर्में बंद हो गई। हम रोज देखते हैं सारे समाचार पत्रों में। और रेगुलेटर्स जो है देश के, वहां से भी बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। एक आंकड़ा अभी कल रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में आया कि फ्रॉड 74% बैंकों के फ्रॉड बढ़ गए हैं। फ्रॉड क्या होते हैं आपको ये समझना पड़ेगा, और फ्रॉड को किस तरह वो क्लासिफाई करते हैं। फ्रॉड होते हैं कि आपने किसी को लोन दिया, उसका कोलेटरल की वैल्यूएशन सही नहीं की, ये फ्रॉड है। फ्रॉड होते हैं आपने किसी को लोन दिया, उसने जो कोलेटरल दी वो वास्तव में कोलेटरल थी नहीं, वो फर्जी थी, ये फ्रॉड है। फ्रॉड होता है आपने किसी को लोन दिया, 200 रुपए की कोलेटरल चाहिए थी, आपने उसको 2,000 पे वैल्यूएशन कर दिया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड होता है जब नीरव मोदी फर्जी LOUs इश्यू करा करा के बैंकों का पैसा ले लेता है, वो फ्रॉड है। और ये निरंतर 2014-15 से लेके आज तक निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। हमने एक आंकड़ा आपको मिलेगा, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और अगर पिछले 5 साल का फ्रॉड देखें तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट आता है जो रिजर्व बैंक ने अपने सरप्लस से ट्रांसफर किया गवर्नमेंट को, 1,74,753 करोड़। पिछले 5 साल का बैंकिंग इंडस्ट्री का फ्रॉड, और 1,75,000 करोड़ रिजर्व बैंक के कुछ समय पूर्व सरकार ने रिजर्व बैंक के कंटिंजेंसी रिजर्व्स में, आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, उस पे उससे सरकार ने अपने लिए ले लिया। क्यों लिया उसका भी कारण है, वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है। जब आपके पास एक भी टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, डायरेक्ट टैक्स का टारगेट पूरा ना हो, जीएसटी के टारगेट पूरे ना हो, और कोई जो रेवेन्यूज है सरकार की वो पूरी ना हो, और आपने बजट में उनका प्लान किया हुआ हो, तो आपको इधर बैकडोर एंट्री से ही पैसे निकालने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं 3 नियम थे न्यूटन के, और ये मोदीनॉमिक्स के भी 3 नियम है। नंबर पहला नियम, डिमोनेटाइजेशन करो।
नंबर दूसरा नियम डीमोनेटाइजेशन के कारण जो मंदी हो गई हो उसका भरपाई रिजर्व बैंक के पैसों से कर लो, और नंबर तीसरा नियम भगवान करे बने ही ना, क्योंकि वो है एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज फ्रॉड के आंकड़े आए हैं, आपको 1,74,753 करोड़ रुपया फ्रॉड का 5 साल में हुआ है, 71,500 करोड़ रुपया सिर्फ 2018-19 का फ्रॉड का आंकड़ा है। और यहाँ एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ही बोलती है कि जो 71,500 करोड़ के फ्रॉड हुए उनमें से मैक्सिमम फ्रॉड एडवांसेस के अंदर हुए। मतलब जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि कोलेटरल आपकी वैल्यूएशन सही नहीं हुई, आपने फर्जी पतों फर्जी व्यापार से पैसा उठा लिया, फर्जी पेपर से पैसा उठा लिया, ये फ्रॉड मैक्सिमम हुए हैं। और एज यूजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रीब्यूशन 71,500 करोड़ में 64,509 करोड़ रुपया है। ये फ्रॉड हो रहा है, इसमें किसका पैसा जा रहा है? आम भारतीय का पैसा जा रहा है, जो जीएसटी के माध्यम से कर देता है, जो इनकम टैक्स के माध्यम से कर देता है। और अगर मैं इन सब को जोड़ लूँ पिछले 5 साल के फ्रॉड को, तो वो सरकार के कुल बजट का 6.5% होता है। अगर हम इन फ्रॉड्स को भी कंट्रोल कर लेते तो रिजर्व बैंक के ऊपर डाका नहीं डालना पड़ता, रिजर्व बैंक के रिजर्व्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये फ्रॉड्स को ही हम कंट्रोल कर लेते। दूसरी बात मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फ्रॉड से रिसेशन होता है और रिसेशन से जॉब्स लॉस होती है। अब आप ये बताइए, एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर लगातार 3 क्वार्टर रिसेशन होता है तो उसे टेक्निकली मंदी कहा जाता है। यहाँ तो 4 क्वार्टर हो गए और आज Q1 जो 19-20 का, उसकी भी आंकड़े आने की संभावना है शाम तक, मुझे पता है। और रिजर्व बैंक ने ऐसी एक्सपेक्टेशन करी है कि 5.5 से 6% के बीच वो ग्रोथ रहने वाली है। अब आप इस ग्रोथ के साथ आप कहते हो रिसेशन नहीं। कल मुझे वित्त मंत्री का एक बयान बड़ा रोचक लगा, उन्होंने कहा ये सब सीजनल है, ये कोई मंदी नहीं है, सीजनल इफेक्ट, मतलब अभी थोड़ा डाउन है, थोड़े दिन बाद अप हो जाएगा। पर लगातार 5 क्वार्टर कौन सा सीजन रहता है? लगातार 1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी GDP गिरती जा रही है और आप कह रहे हो कि सीजनल है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं देश के, सीजनल नहीं है ये। ये ऐसा आपने जख्म दिया है जिसका आज नतीजे आ रहे हैं। जो आपने 16-17 और 17-18 में काम किए थे ना डीमोनेटाइजेशन के, उसके आज नतीजे आ रहे हैं। नेचुरली रिकवरी कभी भी सीजनल या हाथ पे हाथ रख के आप बैठोगे तो रिकवरी नहीं होगी, उसके लिए सरकार को बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसीलिए हमने जब आपसे वार्ता चालू करी तो पहली बात कही, एक वित्तीय आपातकाल देश में लग चुका है। हमने इसीलिए दूसरी बात करी कि एक श्वेत पत्र लाएं, एक इकोनॉमी को आज क्या स्टेटस है जनता को दिखाएं। और तीसरी बात, जब तक आप डिजीज को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, डिजीज का क्योर कैसे होगा? आप कोई बीमारी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, आप मान ही नहीं रहे रिसेशन है। आज सारे दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं रिसेशन है, प्राइवेट कंपनियां के जिस तरह से प्रॉफिट डिप हो रहे हैं वो कह रहे हैं रिसेशन है, क्रेडिट ऑफटेक में डिप आ रहा है वो कह रहे हैं रिसेशन है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं वो कह रहे हैं रिसेशन है, NBFC में 20% लिक्विडिटी चली गई वो कह रहे हैं रिसेशन है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज दिन ब दिन गिरती जा रही वो कह रहे हैं रिसेशन है, पर सरकार कह रही नहीं रिसेशन नहीं है। आपको पहले मर्ज को आपको मानना पड़ेगा, और ये रोज रोज जैसे आप बैंडेड लगा के 10 दिन आगे खींचने की बात करते हो, वैसे मर्ज का इलाज नहीं होगा। आपको रिकॉग्नाइज करिए और एक बोल्ड स्टेप लेके किस तरह इसको रिवाइव करना है, किस तरह ऑटो सेक्टर को रिवाइव करना है। और मेरी कल एक चर्चा हो रही थी
बड़ा एक रोचक तथ्य सामने आया। मैंने कहा ऑटो सेक्टर में इतनी जॉब्स गई, गारमेंट्स में इतनी जॉब गई। एक व्यक्ति ने मुझे कहा ऐसा एक सेक्टर बताओ जिसमें रिट्रेंचमेंट नहीं हो रहा, ऐसा एक सेक्टर बताओ जहां जॉब लॉस नहीं है, प्रॉफिट्स में डिप नहीं है। मतलब एक 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 इकोनॉमिक स्टेटमेंट होता है कि रिसेशन में भी सबसे भयानक रिसेशन वो होता है जब साबुन तेल और खाने पीने की चीजें भी के अंदर डिप आना लग जाए। एफएमसीजी कंपनियों की साबुन तेल शैम्पू बेचने की जो जो 17% डिप है साबुन तेल और शैम्पूज में, तो फिर भी सरकार कह रही है रिसेशन नहीं है, ये तो सीजनल है। ये सीजनल नहीं है। फिर एक और तथ्य है जिसके बारे में छोटी सी बात कहेंगे। कुछ समय पूर्व रिजर्व बैंक से सरकार ने 1,76,000 करोड़ पैसा लिया। कई जगह मैंने पढ़ा कि ये तो सरकार का ही पैसा था, सरकार ने ले लिया तो क्या हुआ। ये सरकार का पैसा इस तरह नहीं होता। यूं तो फिर हम भी बोल सकते हैं कि जब भी सरकार को खर्चों की जरूरत हो नए नोट प्रिंट कर लो, पर आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र ऐसे नहीं चलता है। आपने 1,76,000 करोड़ में से 52,637 करोड़ कंटिजेंसी रिस्क बफर लिया है सेंट्रल बैंक का। और क्या होता है कंटिजेंसी रिस्क बफर और इसका क्या यूज होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। 2008-09 में वैश्विक भयंकर मंदी आई, बड़े बड़े बैंक अमेरिका के लिक्विडेट हुए, वाइंडिंग अप प्रोसेस में गए। भारत पे इसका फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक था, उसके पास इस तरह की कंटिंजेंसीज को एब्जॉर्ब करने का पैसा था। अब आप उस कंटिंजेंसी रिस्क बफर से पैसा ले लेते हो तो नेचुरली कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी मींस एक्सपेक्टेड फ्यूचर अनफोर्सीन एक्सपेक्टेड लॉसेस, जो फ्यूचर अनफोर्सीन एक्सपेक्टेड लॉसेस कभी आएंगे तो आपके पास पैसा ही नहीं है उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए। डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ समझौता किया है। ये कंटिंजेंसी बफर रिजर्व बफर का पैसा लेके स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री एज फार एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कंसर्न उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आप ले सकते हो और भी ले सकते हो, अभी और पड़ा है उसमें पैसा कंटिंजेंसी पर। आप रिजर्व बैंक जिसके दुनिया उदाहरण देता था, बासल कमिटी तक उदाहरण देता था कि रिजर्व बैंक जितना कंजर्वेटिव बैंक रेगुलेटर कोई नहीं है, वो किस तरह अपने बैंकों को रेगुलेट करता है दुनिया सीखने आती थी, उसका आपने रिजर्व का ही पैसा ले लिया, तो अब वो अनफोर्सीन इवेंट्स में कैसे एब्जॉर्ब करेगी। तो इन सब तथ्यों के आधार पे हम मांग करते हैं, नंबर वन, एक तो वाइट पेपर की, दूसरी बैंडेड सॉल्यूशन से निकलो, और तीसरी एज यू हमने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके, डिजीज को रिकॉग्नाइज करके ही डिजीज को क्योर किया जा सकता है। डिजीज के नाम बदल के कि ये सीजनल है ये नॉन सीजनल है, उससे डिजीज क्योर नहीं हो सकता।